स्वागत पंजाबन टीवी देख रहे सारे दर्शकों का मैं मेघा प्रोग्राम आरोग्य जीवन दे विच स्वागत करती हाँ। व्याह तो बाद हर कुड़ी दे मन दे विच एक ख्याल जरूर आता है कि मैं अपने परिवार को वधावा मैं हुण माँ बना पर कई बार इस रस्ते दे विच कई रुकावटां आ जांदियां ने कई समस्यावां हो जांदियां ने जिन्हां दा समाधान एक्सपर्ट दे कोल ही हुंदा है। समस्या लैके असीं अपने डॉक्टर कोल जांदे आ ते ओह सानूं ठीक गाइड करदे ने ते उस तो बाद ये सुपना माँ बनन का सुपना जरूर पूरा हुंदा है। ये की प्रॉब्लम्स ने किद्दां इन्हां नूं पहचानीए तां की ने इन्हां दे समाधान ये सब गलबात करन लई असीं अपने पंजाबन टीवी दे स्टूडियो दे विच खास तौर पर बुलाया है डॉक्टर सुगंधा भाटिया जी नूं। अज इस खास सैगमेंट दे विच असीं इनफर्टिलिटी की गलबात करांगे बांझपन बारे इन्हां तों जाणांगे। बहुत बहुत स्टूडियो दे विच स्वागत करदे आं डॉक्टर सुगंधा भाटिया जी का शिवम फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर जलंधर तों। नमस्कार सारिआं नूं, मैं डॉक्टर सुगंधा भाटिया एम्ब्रियोलॉजिस्ट वर्किंग एट शिवम फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर कपूरथला चौंक जलंधर। बहुत बहुत मैम तुहाडा स्वागत करदे आं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम की शुरुआत करदे आं कि जिस तरह मैं शुरुआत दे विच किया कि विआह हुंदा है ते हर कुड़ी दा ये सपना हुंदा है कि हुण विआह तों बाद परिवार वधा लेना चाहीदा है हुण माँ बन जाना चाहीदा है ना, पर कई रुकावटां आंदियां ने इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स आ जांदियां ने बांझपन जिन्हां नूं कह दिंदे लोग है ना, ये की प्रॉब्लम्स हुंदियां ने? मैम बेसिकली इनफर्टिलिटी जिहड़ी चीज़ है ना इस टाइम बहुत ज़्यादा राइज ते है। जदों भी कोई हसबेंड वाइफ वन ईयर तक नहीं पेरेंट्स बनते तो उन्होंने असं एज अ इनफर्टाइल कपल कह दें। जी जी, जे एक साल च प्रेगनेंसी नहीं होंगी तो डेफिनेटली यू हैव टू गो टू सम इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। जी जी, फॉर द रीज़न कि भी मेल च प्रॉब्लम है कि फीमेल च प्रॉब्लम है। जी ठीक है, अज ये दोनों ही पार्टनर्स 50-50% इस समस्या दे विच हैगे ने। ते ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ लड़की च ही प्रॉब्लम है, लड़का भी बराबर ही जिम्मेवार है। तो दोनों नूं असी हैंडल करके दोनों दे टेस्ट वगैरह करके जिथे भी साइंटिफिकली कोई प्रॉब्लम सानूं मिलती है असी उन्हां नूं फिर गाइड करते हैं ता फिर ताकि वह फिर पेरेंट्स बनन। बिल्कुल ठीक किया। तो जिस तरह शुरुआत दे विच तुसीं भी दस्सिया कि एम्ब्रियोलॉजिस्ट क्या तुसी ए बेसिकली की हुंदा है इहदे बारे भी जानना मैम? एम्ब्रियोलॉजिस्ट आर बेबी मेकर्स बेसिकली, जेडे कि टेस्ट ट्यूब बेबी करते हैं। जी जी, वी मेक बेबीज अप टू डे 3 और डे 5 एंड देन वी पुट दैट बेबीज इनसाइड द वूम ऑफ द लेडी जो कि IVF करवाते हैं साढ़े को। जी जी, ये सारा प्रोसीजर जिहड़ा है वह होंगे सारे डिटेल एक एक करके थोड़े तो जानांगे। पर हुण गलबात जिदा असी कर रहे हैं बांझपन की जिदा गल हो रही थी तुसी दस रहे हो कि कल्ले फीमेल की जे गल करिए कल्ली औरतों के ही समस्या नहीं होंगी मेल्स के भी प्रॉब्लम होंगी तो ये इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम जी आती है। पर गलबात पहले औरतों की करते हैं कि सब तो ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है जी तुम देखते हो आम तौर पर पेशेंट के जिदे कारण कंसीव कर प्रॉब्लम आती है? मैम फीमेल्स बेसिकली जिदा इररेगुलर पीरियड्स, ठीक है, और पेनफुल पीरियड्स एंड थायराइड PCOD ओबेसिटी। अच्छा, ठीक है, एंड मोर टेकिंग ऑफ जंक फूड्स एंड मोर एक्सरसाइज, दीज आर 5-6 बेसिक फैक्टर्स कि जिदे करके फीमेल नूं असीं इनफर्टाइल कह दिंदे आ। जी जी, जिस तरह से मोटापे दा जिकर कीता ते मोटापा भी एक समस्या बनदा। जी जी, ते किद्दां उस केस नूं हैंडल कीता जांदा? मैम जिदा ओबेसिटी है, ओबेसिटी सब तो पहला तो थायराइड हारमोन ही बेसिक कल्परेट है। जी जी, जदों भी पेशेंट या कपल आंदा साडे कोल सब तो पहला उहदे हारमोनस टेस्ट कीते जांदे आ ताकि हारमोनल इंबैलेंस देखिया जावे। थायराइड इस टाइम बहुत ज़्यादा हाई उदे ते आ रहा है, चाहे प्रेगनेंसी भी आ रही है तां भी पेशेंट्स नूं थायराइड बहुत आ रहा है। जी जी, ठीक है ना, दिस इज ड्यू टू इनटेक ऑफ मोर जंक फूड या मोर सोशल मीडिया वी आर यूजिंग, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, लैक ऑफ वर्क, ऑल दीज थिंग्स लीड्स टू हार्मोनल इम्बैलेंस। और जे पेशेंट ओबीस होएगा तो उन्होंने पीरियड्स इररेगुलर होंगे, ठीक है, टाइम पर नहीं आएंगे, एग प्रॉपर टाइम पर नहीं बनेगा तो पेशेंट कंसीव नहीं कर पाएगा। फिर ऐसे केसिस के जो पेशेंट होंगे ने उन्होंने की सजेस्ट पहले ये कहा जाता है कि उन्होंने वेट घटाना पड़ेगा? डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज द फर्स्ट ट्रीटमेंट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर अगर और नाल अगर वो पेशेंट PCOD है तो PCOD ये दोनों पैरेलल चल दियाँ चीज़ा। जी जी,
PCOD ओबैसिटी ये दोनों पैरेलल चलती हैं। कई PCOD वाले पेशेंट्स बहुत ओबीस होंगे है और कई PCOD वाले पेशेंट बहुत थिन होंगे है। दोनों ही केसिस दे विच सानू उन्हां नू प्रॉपर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन चेंज करके 3-3 months की मेडिसिन नाल दे के देन वी विल प्रोसीड फॉर दिस फर्टिलिटी प्रॉब्लम तो जिदा PCOD की तुम गल की ये विच भी डिटेल तो जानांगे कि PCOD की जी प्रॉब्लम है बेसिकली की होंगी है कि पहचान दे विच आंदी है। मैम PCOD इज बेसिकली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज ये जीडिया होंगे जनरली जिदा अनमैरिड गर्ल्स होंगे उन्होंने पीरियड्स टाइम तो नहीं आते डिटेक्शन तो उदो ही हो जाती है पर जे कोई समझदार माँ प्यो है तो वह पहले ही कह दें कि साढ़े बच्चे हूँ ही ट्रीट कर दो ताकि इन्हू आफ्टर मैरिज कोई समस्या ना आवे जो थोड़े जे क्वालिफाइड है जिन्होंने पता है थोड़ा ना तो वो फिर पेशेंट न सारे हारमोन टैसट वगैरह करके उन्होंने हारमोनस की मैडिसिन दे के फिर उही डाइट और लाइफ स्टाइल नाल एडिशन करके पीरियड्स उन्होंने रेगूलर करके मतलब लड़की जड़ी है वो ठीक हो जाती है एंड जो दी मैरिज हो जाती है एंड शी विल कंसीव वेरी फास्ट ओके जो जे मैरिज तो बाद समस्या लैके आते हैं फिर थोड़ा जा उन्हें सानू ज़्यादा मोटिवेट करना पैंदा बिकॉज दे आर इन देयर इन लॉज हाउस उत्थे हिसाब थोड़ा जा होर हुंदा है ते फिर कल्परेट भी उन्हें ज़्यादा मनिया जाता है चाहे मतलब कल्परेट मेल भी होवे बट फीमेल ते ज्यादा प्रेशर हुंदा ठीक है क्योंकि PCOD दे विच बेसिकली जिहड़ी फीमेल है उहदा एग टाइम ते नहीं बनता एग टाइम ते नहीं बनता पीरियड्स टाइम ते नहीं आंदे इसलिए कंसेप्शन नहीं हुंदी बस उस चीज़ नूं ही असीं ठीक करना हुंदा मेडिसिन दे के एंड दे विल कंसीव वेरी फास्ट। जे PCOD दा टाइम सिर इलाज ना कीता जावे तां की होर नुकसान जिहड़े हो सकदे ने की प्रॉब्लम्स बन सकदी है। मैम उहदे नाल इही है कि भी पेशेंट दे फिर पीरियड्स बहुत बहुत इरेगुलर होंदे जाणगे 6-6 महीने 8-8 महीने तुसी सुनिया भी होएगा जी लेट हो जाए पेशेंट ओबीस होंदा जाएगा बहुत हेयर ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी एक्ने हो जाएंगे स्किन दे उत्ते फेस दा कंप्लेक्शन डल हो जाएगा मतलब इट्स अ मतलब समस्या जड़ी हौली हौली बढ़ती इंक्रीज ही होएगी डिक्रीज नहीं होएगी इसलिए जे तुसी टाइम ते नहीं इहनू जे टाइम ते असी नहीं इहनू पहचानदे टाइम ते पहचानना ते ट्रीटमेंट लेना जिहड़ा ओह बहुत ज़्यादा जरूरी है। ते एक होर समस्या जिहड़ी देखण दे विच आई है तुसी गल कीता कि हारमोनल इंबैलेंस हो जांदे ने इह भी PCOD नाल कंसर्न है कि इह वक्रा देखदे हो ये जिहड़ी साडी एग फॉर्मेशन है लेडी दे अंदर वो सारे हारमोनस ब्रेन तो आते हैं देयर आर बेसिकली 4 हारमोनस FSH LH थायरॉयड एंड प्रोलैक्टिन ठीक है। PCOD नाल थायरॉयड ते प्रोलैक्टिन भी एसोसिएट है नो डाउट PCOD वाले पेशेंट को नंबर ऑफ एग्स आर मोर बट क्वालिटी वाइज एग्स आर नॉट गुड ठीक है ते ओ जिहड़े हारमोनस जिहड़े ब्रेन तो आने हैं जे उत्थों ही उन्हां दी मतलब क्वांटिटी ज़्यादा आ रही है तो सानू उन्हां नू कंट्रोल करना पएगा पहला दैन वी विल गैट द राइट अप्रोच फॉर दिस। बिल्कुल बिल्कुल तुसी ठीक किया ते इस तो इलावा होर भी काफ़ी कारण जैसा लाइफ स्टाइल की भी तुसी गल की लाइफ स्टाइल अजकल असी देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का युग है मोबाइल्स ने सब दे हत्था दे विच फिर सिटिंग फिजिकली जिहड़ी वर्क नहीं है सिटिंग ज़्यादा कि यही भी कारण ने इनफर्टिलिटी। यस मैम ये सब तो बड़ा कारण है तुसी ओल्ड टाइम्स देखो लेडीज सारे कम खुद कर दिया सी बिल्कुल वी हैव नो मेड्स वी हैव नो वॉशिंग मशीन एनीथिंग है ना जी हुन कोई भी नहीं करता मशीन हर चीज ले मशीन और मोर कार्बोहाइड्रेट डाइट अगर आप लवांगे ओदे नाल ये समस्या बहुत वधदी है कार्ब्स नहीं लेने जी वेट रिडक्शन करनी है चाहे डाइट करो चाहे जिम करो चाहे योगा करो चाहे सैर करो व्हाटएवर पर तुहाडा वेट इनक्रीज नहीं होना चाहिए जी वेट इनक्रीज होएगा तो PCOD बढ़ेगी। इस तरह से क्या कि थायरॉयड की प्रॉब्लम भी जिन्हों है उन्होंने भी समस्या आती है थायरॉयड की प्रॉब्लम कई बार तो पहचान दे विच आ जाती पकड़ दे विच आ जाती है जिहड़े पेशेंट है वह टेस्ट भी कराते हैं तो इलाज टाइम से शुरू हो कई बार पकड़ दे विच नहीं आती तो किद्दां पहचानिए थायरॉयड नूं की सिम्पटम थायरॉयड दे विच भी यही है कि फिर ओही ओबैसिटी एसोसिएट तो है ही है मोर हेयरफॉल है पेशेंट का काफ़ी हेयरफॉल हुंदा है हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाती है ठीक है पर Nowadays it's very 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 common every third person is having thyroid chahe wo pregnant hai chahe wo non pregnant hai every person is having thyroid दो तीन चीज़ा ही है जिद नाल मोर वेट गेन होंदा तां भी पेशेंट नूं लगदा कि साडा वेट बहुत वधिया थायरॉयड कराओ साडा सब तो पहला बिकॉज गूगल इज़ देयर एवरीबॉडी इज़ रीडिंग ऑन गूगल चाहे वह गलत ही होवे बट एवरीबॉडी हैज़ इट्स ओन
ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਭ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਇਲਾਜ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਾਨ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨਾਓਵਰਡੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਰਕੂਲਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਟੀਬੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਟਰਸ ਦੀ ਟੀਬੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਟਿਊਬਸ ਦੀ ਟੀਬੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਰੀਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਟੀਬੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਕਾਮਨੈਸਟ ਕੋਜ਼ ਆਫ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਜੀ ਮੇਜਰ ਕੋਜ਼ ਔਰ ਟੀਬੀ ਪਕੜ ਚ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਟੀਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਕੜ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ 6-6 ਵਾਰੀ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 7ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਪਕੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਟ੍ਰੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਟੀਬੀ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਿਲ ਹੈਵ ਦੇਅਰ ਫੈਮਿਲੀ ਕੰਪਲੀਟ ਵਿਦਆਊਟ ਆਵਰ ਐਫਰਟ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੈਲਫ ਕਨਸੀਵ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਤੇ ਯੂਟਰਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵਧਣਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡੀਨੋਮਾਇਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੋਈ ਫਾਈਬਰਾਇਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸੋਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਡਿਊ ਟੂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਲਓ ਦਵਾਈ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲਓ ਇਸੇ ਲਈ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਮਾਊਥ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਮੇਜਰ ਕੈਂਸਰਸ ਨਾਓਵਰਡੇਜ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਗੋ ਟੂ ਅ ਡਾਕਟਰ ਵੰਸ ਇਨ ਅ ਈਅਰ ਆਫਟਰ ਦਾ ਏਜ ਆਫ 35 ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਰੇ ਨੋਰਮਲ ਆ ਜਾਣ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੱਢੋ ਪਰ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿਕਸ ਕਰੋ ਆਈਦਰ ਯੋਰ ਐਨਵਰਸਰੀ ਡੇਟ ਔਰ ਯੋਰ ਬਰਥ ਡੇਟ ਵਟ ਐਵਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ ਡੂ ਯੋਰ ਪੈਪ ਟੈਸਟ ਡੂ ਯੋਰ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਡੂ ਯੋਰ LBC ਡੂ ਯੋਰ ਹੈਲਥ ਚੈੱਕਅਪਸ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਲੌਂਗ ਐਂਡ ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ ਜੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਹੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 35 ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 35 ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ 35 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜਲਦੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ LBCs ਲਿਕੁਇਡ ਬੇਸ ਸਾਈਟੋਲੋਜੀ ਪੈਪ ਟੈਸਟ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸਾਰਾ ਹੈਲਥ ਚੈੱਕਅਪ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਲੀਵਰ ਦਾ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦਾ HB ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੂਗਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਈਅਰਲੀ ਕਰਵਾ ਇੱਕ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਜੀ ਇੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਟਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਊਥ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਾਇਨਾਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲ ਚੈੱਕਅਪ 'ਤੇ ਹੀ ਦਿਖਦਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਫਾਊਲ ਸਮੈਲਿੰਗ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੈ ਕੋਈ ਸਮੈਲ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੈ ਇੰਟਰਮੈਸਟਰਲ ਤਾਂ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਕੰਟੈਕਟ ਯੋਰ ਡਾਕਟਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜੀ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਵੇਸਟਿੰਗ 1 ਮਿੰਟ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਿਮਟਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿਮਟਮਸ ਵੀ ਐਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸਿਮਟਮਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤ ਸਮੈਲ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਣਾ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿਮਟਮਸ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਉਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਹ LBC ਜਾਂ ਪੈਪ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦਾ ਕਲਰ ਯੈਲੋ ਵਾਈਟ ਕਰਡੀ ਵਾਈਟ ਵਿਦ ਫਾਊਲ ਸਮੈਲਿੰਗ ਔਰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇੰਟਰਕੋਰਸ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਟਰਮੈਂਸਟਰਲ ਸਪੋਟਿੰਗ ਇਹ ਸਭ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸੇ ਸਿਮਟਮ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਸਕੀਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਡੋਲਾ ਟਰੈਵਲਸ Book your flight tickets online. Fast and easy way to book your domestic and international flight tickets. Friendly customer support. Travel in budget and style.
Kandola Travels. Call 209-800-8808. Website www.kandolatravels.com. ब्रेक तो बाद एक बार फिर सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं उन्होंने अपने प्रोग्राम आरोग्य जीवन दे विच डॉक्टर सुगंधा भाटिया जी स्टूडियो दे विच साडे नाल ने लगातार इन्होंने गलबात कर रहे हैं तो डॉक्टर साहब एक बार फिर ब्रेक तो बाद थोड़ा वेलकम करते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर सुगंधा फ्रॉम शिवम फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर कपूरथला चौंक जलंधर तो थोड़ा सब का स्वागत कर ते प्रोग्राम नू अगे वधाने आ ते जिस लगातार असी गल कर रहे हैं तुसी दस रहे हो कि एक कारण हो सकते ने इनफर्टिलिटी दे ते होर भी तुसी काफ़ी कुछ दस्या कि कुछ सिमटम नज़र आन ते बिना किसी देरी तो डॉक्टर कोल सानू जाना चाहिए है ते हुण गल करांगे एक बड़ी आम ते कॉमन प्रॉब्लम दी वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस अजकल सब नू है चाहे औरतों की गल करिए या आदमियों की गल किसी नू काम नू लैके या किसी चीज़ या फिर करोना वायरस जिस तरह फैलता है पिछे भी जिदा लॉकडाउन वगैरह रहा तो काम कार लोगों के नहीं रहे तो अज फिर हुण करोना एक बार पैर पसार रहा तो स्ट्रेस फिर वध रहा है तो स्ट्रेस भी एक वड्डा कारण मनिया जाता है। मैम स्ट्रेस सब तो मेजर कारण है सब तो मेजर क्योंकि जे स्ट्रेस हुंदा है कपल दे विच तो जिहड़े उहदे हारमोनस मैं तुहानूं दस्सिया ब्रेन तो सारे सिक्रीट हुंदे चाहे वह मेल है चाहे वह फीमेल है उत्थे ब्लॉक लग जाना जी उत्थे ब्लॉक लगना है तो सिस्टम सारा ही उपर नीचे हो जाना पेशेंट का है ना तो इसलिए असी पेशेंट नूं कहिंदे कि जो भी तुसीं साडे कोल कोई भी ट्रीटमेंट करा रहे हो चाहे IUI करा रहे हो चाहे IVF करा रहे हो कुछ भी करा रहे हो उहनूं तुसीं सेंटर 'च ही छड्ड के जाओ अपने नाल ना लैके जाओ प्लीज़ दैन यू विल गिव रिजल्ट अदरवाइज यू डोंट गिव नहीं तो पेशेंट की करते करा के चले जाते बैड के नाल ही लग जाएंगे 15 दिन कि असी उठना ही नहीं शायद साड़ी प्रैगनेंसी आ जाएगी जबकि इदा नहीं होंदा साडा यही होंदा कि तुसी प्लीज़ इत्थे सब कुछ छड्ड दो अपनी नॉर्मल लाइफ लीड करो सोचो असी कुछ कराया ही नहीं है असी तो शिवम च जस्ट एक चक्कर लगान आए सीगे जी जी ते स्ट्रेस रिलीव करना पेशेंट दा बहुत बहुत जरूरी जरूरी स्ट्रेस रिलीव होएगा उदे वास्ते तुसी योगा असी उन्होंने एडवाइस कर देने मेडिटेशन एडवाइस कर देने उन्होंने कहने तुसी अपने आप नू बहुत बिजी रखो तुसी सोचना ही नहीं कि भी तुसी कोई मेडिसिन लै रहे हो या नहीं लै रहे ये चीज़ा नहीं सोचो मतलब काफ़ी सानू काउंसलिंग करनी पैंदी है इस पार्ट दे उत्ते पेशेंट फिर स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं एंड दे विल कंसीव एंड दे विल गिव रिजल्ट्स जी जी ते गल जे मैं उन्हें ये करा कि सोसाइटी की एक गल करिए जिन्हें कपल्स जिदा थोड़े को आते हैं जेडे पेरेंट्स बनना चाहते हैं कोई ना कोई प्रॉब्लम उन्होंने होंगी है तुम उन्होंने जो IVF या IUI या कुछ इन्हें ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हो तो की रिएक्शन होंगे पेशेंट का की वो एक्सैप्ट करते हैं इन्नी जल्दी इस चीज़ को। मैम देखो जेड़े पेशेंट्स तो बहुत सारी जगह तो घूम के आते हैं जेड़े टेस्ट वगैरह पेशेंट्स आजकल बहुत एजुकेटेड है साढ़े नो ज़्यादा एजुकेटेड ने दे नो ईच एंड एवरीथिंग आते कहे मैम साढ़िया तो ट्यूबा ब्लॉक है हूँ दसो की करिए असी अगे मतलब they are like that जेड़े तो बिल्कुल भी layman है जिन्हों नहीं कुछ पता उन्होंने तो असं फिर स्टैप बाय स्टैप चलाने असं स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी को भी IVF नहीं रिकमेंड करते जे इंडीकेशन है दैन वी विल स्ट्रेट फॉरवर्ड रिकमेंड इंडीकेशनस भी चार इंडीकेशनस है एक ट्यूब ब्लॉक सैकेंड एंडोमेट्रोसिस थर्ड अनएक्सप्लेनड इनफर्टिलिटी एंड फोर्थ इज़ अ मेल फैक्टर जे ये चार चीज़ा पेशेंट कोई भी है चार सिमटम्स के असी फिर उन्होंने डायरैक्ट IVF वास्ते ही कौंसल करते फिर असी IUI तो उन्होंने मतलब मनी नहीं वेस्ट करते क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी इन्ना कुछ करवा के आया हों पेशेंट एवरीथिंग कपल नोज कि असी साडा नैक्सट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की है तो उन्होंने यही होंगे कि भी सानू रिजल्ट मिलना चाहिए क्योंकि IVF जी पद्धति है वो 100% नहीं है ठीक है इसलिए सब तो पहले काउंसलिंग तो यही जरूरी होंगी कि असी IVF तो करांगे बट वी आर नॉट गॉड ठीक है तुहाडा लक साडे ट्रीटमेंट तो बाद तुहाडा लक है जे तुहाडा लक तुहाडा फेवर करेगा तो यू विल 100% गैट योर IVF ट्रीटमेंट पॉजिटिव ठीक है असी सिर्फ उन्होंने 40-50% की गारंटी दें इस तो बाद नहीं इस तो बाद जी क्योंकि 100 असी कह नहीं सकते असी परमात्मा नहीं हाँ असी सिर्फ एक एम्ब्रियोज दे भी डे 5 तक असी एम्ब्रियो बना सकते उस तो अगे नहीं उस तो अगे बॉडी ने एक्सैप्ट करना है या नहीं करना ये उन्होंने लक पर डिपेंड करता सारा कुछ ठीक है इसलिए ये काउंसलिंग सब तो पहले यही काउंसलिंग की जाती जो पेशेंट IVF वास्ते आता स्ट्रेट फॉरवर्ड फिर जो प्रोसीजर ते आ जाता है फिर नाल तो चलो थोड़ा थोड़ा उन्होंने मोटिवेशन करी जाइए है जो पॉजिटिव आ जाता है फिर वो सारा कुछ ही भूल जाता है सारा कुछ भूल जाता है जो बेबी लै लैंदा फिर सब कुछ भूल जाता है बस बिल्कुल ठीक गल है तो ये तो हुई कपल की गल तो जेडे पिछे
ਘਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ, ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੈਸ ਮੈਮ, ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਟੈਪ ਫੋਰਵਰਡ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਵਿਦਆਊਟ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਕਪਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਨਾਲ ਲਿਆਓ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਲਿਆਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਨਫਰਟਿਲਿਟੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਵਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੋਰਟ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਯੂ ਕਾਂਟ ਡੂ ਐਨੀ ਇਨਫਰਟਿਲਿਟੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਚਾਹੇ ਉਹ IUI ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ IVF ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਟਿਊਬ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਮੇਜਰ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨਸ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਰੇਸ਼ੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਲਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਮ, ਮੇਲ 40%, ਫੀਮੇਲ 40% ਐਂਡ 20% ਇਜ਼ ਅਨਐਕਸਪਲੇਨਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ, ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਵੀ ਹੈਵ ਲੌਂਗ ਲਿਸਟ ਆਫ ਟੈਸਟ, ਮੇਲ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ, ਡਾਈਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਓਕੂਪੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਜੇ ਹਾਰਮੋਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਕੈਨਸ, ਮਤਲਬ ਬੋਥ ਆਰ ਇਕੁਅਲੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ। ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਾਂਝਪਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰਤ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਹੈਜ਼ ਚੇਂਜ ਨਾਉ ਮੈਮ, ਟਾਈਮ ਹੈਜ਼ ਚੇਂਜ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕਈ ਮੇਲਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਪਰਮਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਾਊਂਟ ਬਹੁਤ ਲੋਅ ਹੁੰਦਾ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੰਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਇਜ਼ ਨੰਬਰ 1, ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਐਨੀ ਅਡਿਕਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਸਮੋਕਿੰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਿਕਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਸ਼ਾ ਨੁਸ਼ਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੋਰ ਜੰਕ ਫੂਡ ਇਨਟੇਕ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਲੀਫੀ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਮੇਲਸ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀਆਂ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਵੀ ਅਤੇ ਵਾਈਫ ਦੇ ਵੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਯੈਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਮ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡੇਜ਼ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਡੇਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1 ਡੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਣ ਦਾ, ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸ਼ਿਵਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਸ਼ਿਵਮ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰ, ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕੁਮੁਦ ਪਸਰੀਚਾ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੂਟ ਕੌਜ਼ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੰਸੀਵ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੋਰਮਲ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਿਕਲਦੀ ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਇਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਹਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ IVF 'ਚ ਲੈਂਡ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਦੇਖ ਕੇ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਸੋਰਟਡ ਦੈਮ ਐਂਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੰਸੀਵਸ ਵੈਰੀ ਫਾਸਟ ਜੀ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੇ ਸਹੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ, ਸਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਏ ਮਿਲੇ, ਐਕਸਪਰਟ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਕਦਮ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਪਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਕੰਸੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਿਵਮ 'ਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਟੇਲਰ ਮੇਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਦ ਸੇਮ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸੇਮ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨ ਦਿਓ, ਨੋ, ਇਟਸ ਅ ਟੇਲਰ ਮੇਡ ਫੋਰ ਐਵਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ IUI ਸੇਮ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਟੂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਵੈਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਟੂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। ਹੁਣ ਕਈ ਐਲਡਰਲੀ ਕਪਲਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਈ 30+ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ, 40+ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ,
इट डिपेंड्स जी, जी मतलब इट्स नॉट सेम फॉर एवरीबडी जी बिल्कुल ते जरूरत है कि असी ये देखिए कि जिथे असी ट्रीटमेंट लैन जा रहे हैं उत्थे पूरी फैसिलिटी है कि नहीं ते साडा ट्रीटमेंट कौन करेगा ते इस ए भी बहुत जरूरी है खास तौर ते जदों असी इनफर्टिलिटी दा ट्रीटमेंट लैन जा रहे हैं हुण गल उन्हां लेडीज दी इक करिए कि जिन्हां दी एज ज्यादा है ना 30 या 35 प्लस 40 प्लस मतलब अकॉर्डिंग टू मतलब सारा सिनेरियो तुसी की एज परफेक्ट देखते हो मां बनने लई मैम परफेक्ट एज तो बिलो 30 इज बैटर जी जी बिकॉज उदो तुसी हैल्दी होंदे हो तुसी यंग होंदे हो तुहाडे च एनर्जी होंदी है नाले तुहाडी एग्स दी जिहड़ी क्वालिटी है वो बेस्ट होंदी एट दैट टाइम जी मतलब 25 to 30 इज द राइट अप्रोच तुसी 35 क्रॉस कर जांदे हो उस तो बाद फिर जिहड़ी जेनेटिक एबनॉर्मैलिटीज होंदियां बेबीज दे विच जिद्दां डाउन सिंड्रोम है या इदां दी जिहड़ी प्रॉब्लम्स है जेनेटिकली वो थोड़ी जी हायर लेवल ते आ जांदी है इसलिए 35 तो बाद थोड़ा जा कट ऑफ घट जांदा है 40 तो बाद तो बिल्कुल ही मतलब लो हो जांदा है जी इस करके असी रिकमेंड करते हैं कि जिद्दां ही पेशेंट दी मैरिज हुंदी है मतलब एक साल तो ठीक है 1 ईयर तो बाद फिर तुसी घर ना बैठो बैटर है कि तुसी इमीजिएटली कॉन्टैक्ट ते डॉक्टर साहब जे इनफर्टिलिटी की जिस तरह असं गल कर रहे हैं तो औरतों के एक होर समस्या आती है जिहड़ी यूट्रस दे विच फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम आती है बड़ी कॉमन प्रॉब्लम जिहड़ी अजकल हैगी है तो इहदी पहचान पहले तो यह किद्दां हुंदी है तो किद्दां इहनूं फिर ट्रीट किया जाता मैम फाइब्रॉइड जिहड़े हैगे ना पहली गल तो नॉन कैंसरस है ठीक है और सैकेंडली हर 5 दे विच्चों 1 या 2 लेडीज़ जे हुंदे ही हुंदे है जी जी इना दे जेड़े सिम्टम्स है उदे विच हैवी ब्लीडिंग ठीक है या भार पैना या पेशेंट नू अपने पेट दे नीचे कुछ हैवी हैवी महसूस होना जी ठीक है ये 2-3 सिम्टम्स है जे ता फाइब्रॉइड बच्चेदानी दी तह दे उपर है वो फिर पेशेंट प्रेगनेंट नहीं हुंदा जल्दी फिर वो फाइब्रॉइड कढ़वाने पैंदे है कई लोकां च मिथ हुंदा है कि असी फाइब्रॉइड कढ़वावांगे साडी बच्चेदानी कढ देणगे पर नहीं अजकल ये चेंज है अजकल दूरबीन दे नाल असी फाइब्रॉइड किते जिथे मर्जी पिया होवे यूटरस दे उपर अंदर असी कढ़ के यूटरस बचा के उन्हों 3 महीने की रेस्ट दे के पेशेंट नू फिर प्रेगनेंसी वास्ते प्रमोट कर देते हैं हाँ जे एज ज़्यादा है पेशेंट की फैमिली कंप्लीट है पेशेंट नू बहुत हैवी ब्लीडिंग है नहीं रुक रही फिर असी उन्हों हिस्टरेक्टमी एडवाइस करते हैं कि तुसी हिस्टरेक्टमी करा लो जागरूक नहीं है अपनी हेल्थ नू लेके ताही मैं तुहानू कहा कि ईयर दे विच एक साल च एक अल्ट्रासाउंड इज इंपॉर्टेंट ताकि तुहाडी बॉडी च की हो रहा तुहानू पता लगे होर कोई तरीका ही नहीं कोई तरीका नहीं इसलिए असीं सब नू यही कहने कि साल च एक बार जरूर आया करो चाहे मिलन ही आ जाया करो असीं तुहाडे टेस्ट कर लांगे देन यू विल गो कोई प्रॉब्लम नहीं सानू जी जी ते एक होर टर्म मैम मैं अजकल सुनी है एक नवा ट्रीटमेंट है या की है तुहाडे तो जानांगे इक्सी बारे असीं सुनिया है एक्चुअली इक्सी की है यस मैम जी इक्सी एआरटी एक प्रोसीजर है जिन्हों असीं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहने हैं ये उन्हां होंगे जेडे मेल्स जिदा काउंट ओलिगोस्पर्मिक जिदा काउंट घट है ठीक है या किसी ने 3-4 बारी IVF करवाया तो नहीं कंसीव कर पा रहा फिर ये एक मशीन है जिदे विच असी एक एग दे विच एक स्पर्म नू इंजेक्ट करते हैं फिर उदा एम्ब्रियो बनता है फिर वो एम्ब्रियो अंदर ट्रांसप्लांट किया जाता है जी जी इदा इनू इक्सी वर्ड मतलब शॉर्ट च असी जी जी ते किसी ने टेस्ट लेना होए या ट्रीटमेंट लेना होए तो ये काफ़ी कॉस्टली होंगे ने ट्रीटमेंट्स कॉस्टली नहीं है थोड़ा जा फर्क ही IVF नालों बहुत ज्यादा फर्क नहीं है मतलब ट्रीटमेंट सेम ही है बस अगे जाके प्रोसीजर चेंज हो जाने जो IVF करो या इक्सी करो डिपेंड करता है मेल काउंट ते मेल काउंट की आ रहा है जे मेल काउंट बहुत अच्छा है फिर तो IVF कारागर है जे मेल काउंट घट है फिर असी इक्सी ते पाने हैं उस पेशेंट जी ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट वेरी जी बिल्कुल ठीक तुसी क्या तुसी पंजाबन टीवी दे स्टूडियो दे विच आए इनफर्टिलिटी नू लेके तुसी दर्शकां नू बहुत कुछ दसिया तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू मैम थैंक यू सो मच